बजट में और क्या क्या हो सकता है, हम इस पर देखिए हमारे रिपोर्टर्स की ये खास चौपाल। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया जा रहा है। ऐसे समय बजट पेश किया जा रहा है जब अर्थव्यवस्था में मांग पैदा करना एक सबसे बड़ी चुनौती है। ऐसे समय में बजट पेश किया जा रहा है जब रोजगार पैदा करना एक सबसे बड़ी चुनौती है। इसके लिए बजट में क्या कुछ खास हो सकता है, इस पर हमारी पूरी टीम लगातार नजर बनाए हुए हैं और हम अपनी टीम के साथ यहाँ पे हैं वित्त मंत्रालय के ठीक सामने और आपको बताएंगे कि जो बजट पेश होगा उसमें क्या कुछ खास निकल कर आएगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने सहयोगी आलोक के साथ जो कि इंडस्ट्री और फाइनेंस मिनिस्ट्री दोनों पर काफी पैनी नजर रखता है। आलोक, जब बात रोजगार की और आर्थिक विकास की होती है तो सबसे ज्यादा जोर इस बात पर होता है कि इंडस्ट्री को आप पुश करिए, इंडस्ट्री को बढ़ावा दीजिए। इस बजट में इंडस्ट्री को लेकर क्या कुछ निकल सकता है? देखिए, अगर इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री में ज्यादा से ज्यादा निवेश हो, उनके लिए रॉ मटेरियल सस्ता मिले, वहां पर एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो और साथ ही साथ उनको एक्सपोर्ट करने के लिए बेहतर सुविधाएं मिले, इस पर जोर रहेगा। अगर हम बात करें तो पीएलआई स्कीम सरकार की बहुत ही एक खास स्कीम है। इसमें साइकिल, आपको टॉयज, केमिकल सेक्टर जैसे, लेदर सेक्टर जैसे में पीएलआई स्कीम सरकार ला सकती है। इसके अलावा कई सारे मोर्चों पर जो इंपोर्ट ड्यूटी है काफी क्रूशियल होता है, रॉ मटेरियल्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो बहुत सारे पेपर, मेटल, फार्मा, मेडिकल डिवाइस जैसे इंडस्ट्री है उनको रॉ मटेरियल की जरूरत होती है, वो उनके लिए रॉ मटेरियल पर इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती या बढ़ावा की जा सकती है, तो ये ताकि रॉ मटेरियल सस्ता मिले। इसके अलावा एक्सपोर्ट एक बड़ा मुद्दा रहता है हमेशा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो एक्सपोर्ट के लिए उनके लिए एक्सपोर्ट हब बनाने की बात चल रही है कि एक्सपोर्ट हब बनाया जाए, साथ ही साथ एक्सपोर्ट प्रमोशन एक नई बॉडी बनाई जाए जो कि उनको एक्सपोर्ट करने में मदद करेगी। इसके अलावा उनको कई तरह के और इंसेंटिव दिए जा सकते हैं मार्केटिंग वगैरह के लिए, और साथ ही साथ अगर बात करें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मोर्चे पर तो बहुत सारी जो डोमेस्टिक चीजें हैं उनमें उनको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दिया जाएगा, और उनके लिए जैसे डीप टेक पॉलिसी है, स्टार्टअप काफी बड़ा रोजगार देने वाला सेक्टर है, वहां पर डीप टेक पॉलिसी नई ऐलान की जा सकती है, तो इस तरह के कदम सरकार उठा सकती है, इसमें रोजगार भी ज्यादा मिले, एक्सपोर्ट भी हो और इंडस्ट्री को भी फायदा मिले। ये काफी बड़ी बात है कि इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि रोजगार के नए मौके पैदा हो। रोहन सिंह जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी पैनी नजर रखते हैं, एविएशन सेक्टर पर नजर रखते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पर बढ़ावा देने से कई सारे सेक्टर को खुद ब खुद बढ़ावा मिल जाता है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के क्या कुछ संभावना जताई जा सकती है? जी, इस बार भी इंफ्रास्ट्रक्चर का जो पुश है वो बरकरार रहेगा। एक मॉडेस्ट इंक्रीज आप 10-15% का देख सकते हैं रोड ट्रांसपोर्ट के लिए, खासतौर पर 15,000 किलोमीटर के प्रोजेक्ट्स की घोषणा की जा सकती है। इसमें कुछ ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट भी होंगे। इसके अलावा जो बड़े शहर है, भीड़ भाड़ वाले शहर है, वहां ट्रैफिक से निजात के लिए, पॉल्यूशन इंजीनियर के लिए रिंग रोड की घोषणा की जा सकती है। एक सरकार का पुश रहा है ईवी सेक्टर पर, वो इस बार भी जारी रहेगा। सरकार स्कीम के एक्सटेंशन की तो बात कर ही सकती है, लेकिन साथ ही जो 5 साल का रोडमैप है एक तरह से ईवी के लिए, क्लीन एनर्जी के लिए, उसकी घोषणा भी यहाँ पे की जा सकती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें भी ईवी, जो बार बार सरकार और प्रधानमंत्री भी जोर दे चुके हैं, ग्रीन इकोनॉमी पे काफी ज्यादा फोकस होगा, तो जो रोहन की बातों में संकेत मिल रहा है ग्रीन इकोनॉमी एक महत्वपूर्ण पहलू हो सकता है इस पूरे बजट का। लेकिन सबसे ज्यादा जो नजर रहती है खासतौर से तब से जब से रेल बजट को मिला दिया गया आम बजट से, वो नजर आती है कि रेलवे सेक्टर के लिए क्या कुछ हो सकता है। तो दीपाली है, रेलवे सेक्टर को सालों से कवर कर, दीपाली रेलवे के मुसाफिरों के लिए क्या कुछ खास मिलने वाला है या फिर रेलवे कंपनियों के शेयर धारकों के लिए क्या कुछ खुशखबरी आ सकती है? जो बिल्कुल सरकार का फोकस रहेगा किस तरह से निजी निवेश बढ़ाया जाए रेलवे में, क्योंकि सरकार चाहती है कि बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन हो, खासतौर पर अगर हम डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात करें तो उसको पेशअप किया जाए। इसके अलावा जो कोचेस की संख्या है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिले, और साथ ही जो एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है बुलेट ट्रेन, उसके नए कॉरिडोर्स का अनाउंसमेंट यहां पर किया जा सकता है। एलोकेशन जाहिर तौर पर 20% तक बढ़ता हुआ यहां पर दिखाई देगा, लेकिन जो सबसे बड़ा फोकस हमें जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है वो ये रहेगा कि यात्रियों के लिए जो रेल का सफर है उसे किस तरह से सुरक्षित बनाया जाए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है 2 से 3 बड़े दर्दनाक हादसे हुए हैं। ऐसे में जो रेलवे की तरफ से कवच इंस्टॉलेशन था उसकी लेट लतीफी पर यहां पर सवाल उठे हैं, तो कवच के लिए 5 से 6 हजार करोड़ रुपए अलग से एलोकेट यहां पर वित्त मंत्री करती हुई दिखाई दे सकती है। तो इसमें रेलवे के अलावा एक और चीज आपसे पूछूं, उसके बाद असीम के पास जाऊंगा, वो है हेल्थ सेक्टर, क्योंकि आर्थिक सर्वे में भी हेल्थ सेक्टर पे, खासतौर से मेंटल हेल्थ पे काफी जोर दिया गया है, तो हेल्थ सेक्टर को लेकर क्या कुछ उम्मीद करनी चाहिए? बिल्कुल आपने सही कहा, खासतौर पर अगर कोविड के बाद से देखें तो लगातार वित्त मंत्री की तरफ से जो एलोकेशन है स्वास्थ्य सेक्टर के लिए वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, और यही कॉन्टिन्यूटी हम इस बजट में भी देखेंगे। एलोकेशन तो बढ़ेगा ही, साथ ही साथ जो बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में इस बात को रखा था कि आयुष्मान भारत का दायरा बढ़ाया जाएगा और उसके तहत 70 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं उन्हें इसमें शामिल किया जाएगा, और इसके अलावा ये भी जानकारी मिल रही है कि जो सर्वाइकल कैंसर है उसकी वैक्सीन को सस्ता किया जाए, इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन को सस्ता किया जाए, इस लिहाज से भी बड़े अनाउंसमेंट इस बजट में हो
होते हुए दिखेंगे। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ी चुनौती यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में मांग को कैसे बढ़ावा दिया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में मांग का सबसे बड़ा ड्राइवर होता है एग्रीकल्चर। इस बार एग्रीकल्चर पर नजर इसलिए रहेगी क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जो कि माने जाते हैं कि मुख्यमंत्री के तौर पर इन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर में काफी सुधार किए थे, तो शायद उनकी बात चले और बजट में उनकी झलक दिखे। तो असीम एग्रीकल्चर सेक्टर कवर करते हैं। असीम, क्या लग रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर पर बजट में फोकस रहेगा? डेफिनेटली एक बड़ा फोकस आपको एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर ही दिखाई देगा। किसान सम्मान निधि बढ़ाने की बात हो रही है लेकिन इस बार आपको शायद वहां पर कोई बढ़ोतरी होती हुई दिखाई ना दे। दूसरी सबसे बड़ी बात, यहां पर एक डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन की शुरुआत आप होती हुई देख सकते हैं, यानी कि सरकार रिफॉर्म्स करेगी, जो भी राज्य रिफॉर्म्स करेंगे उनके लिए एक बड़ा फंड का अनाउंसमेंट होगा और उनको उस रिफॉर्म्स के हिसाब से ये फंड रिलीज किया जाएगा। तीसरी सबसे बड़ी बात, जो कृषि क्रेडिट कार्ड है, अभी आपको 3 लाख का लोन मिलता है, उसके अंदर बढ़ा करके 5 लाख तक का लोन जो है वो किया जा सकता है। बिना कोलेटरल के आपको 1,60,000 तक का लोन मिलता है, उसको बढ़ा करके 2.5 लाख तक का किया जा सकता है। सबसे बड़ा फोकस सरकार का क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर रहने वाला, एक बड़ा फंड अनाउंसमेंट हम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पीएम आशा के तहत आकर के देख सकते हैं। जो भी किसान ज्यादा क्रॉप डाइवर्ट करेंगे, अलग अलग क्रॉप्स उगाएंगे, उनको एक बड़ा राशि यहां पर हम घोषणा होती हुई मुझे लगता है कि कुल मिलाकर लगता है कृषि क्षेत्र को लेकर के किसानों की आमदनी बढ़ाई जाए, इस पर फोकस होगा। लेकिन इस पूरी चर्चा में अगर एक बात ना हो तो छूट जाएगा, वो है कि नौकरी पेशा लोगों को क्या मिलेगा। इनकम टैक्स पर भी नजर रखिएगा क्योंकि वहां पर यह माना जा रहा है कि शायद वित्त मंत्री इनकम टैक्स न्यू टैक्स रिजिम एक नया स्लैब जोड़ करके कुछ नौकरी पेशा लोगों को राहत दे या फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा 50,000 से आगे बढ़ा दे। कुछ लोग कैपिटल गेंस टैक्स में बदलाव की चर्चा कर रहे हैं लेकिन अभी तो कोई कंफर्म नहीं है। लेकिन ये सारे मुद्दे हैं जिस पर आपको नजर रखनी चाहिए, बस कुछ ही देर का समय, उसके बाद बजट पेश होगा, तो फिर देखिए क्या क्या होता है। लक्ष्मण राय अपनी टीम के साथ दिल्ली। चलिए, बहुत अच्छे से